हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे हो, हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है? और एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कि जब हम बोल रहे हैं कि हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि हम बोल रहे हैं कि हमेशा दांत फाड़ के हंसते रहो वो नहीं बोल रहे हैं। हम बस ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट बी जॉयफुल बाय योर ओन नेचर, जस्ट बी हैप्पी दैट यू आर स्टिल अलाइव, ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर। उससे पहले आज का लेक्चर कोड जान लेते हैं, और आज का लेक्चर कोड है हमारा आईएससी ऑब्लिक फिजिक्स ऑब्लिक करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ईयर 2016। जी हाँ, हम लोग ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज की 1917-16 कर चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो प्लीज आप लोग वहां से चेक कर लेना अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है? तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक गुप्ता, और आप मुझे देख रहे हैं आपके छोटे से प्यारे से बेबी से चैनल ईशा अकेडमी पे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है? बोला गया है, अ कार्बन रेजिस्टर हैज कलर्ड बैंड एज शोन इन द फिगर बिलो। द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज, बोला गया है आपको। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 2018 में, जहां से हम लोगों ने आपको बताया था इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आपको बस एक याद रखना पड़ेगा, बी रॉय ऑफ ग्रेट बिहार वेरी गुड वाइफी हैज अ वेरी गुड वाइफी, ठीक है? उसके हिसाब से कलर नंबर रख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, और आपको बस बोलना है, ठीक है? चलिए इसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है? सॉल्यूशन देखो, इसका फर्स्ट कलर देता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दूसरा कलर देता है सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, तीसरा फैक्टर देता है इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कितना से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है? और लास्ट कलर है टॉलरेंस, प्लस माइनस। गोल्ड के लिए होता है कितना, प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, और कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20% वो टॉलरेंस होता है, याद रखना, ठीक है? रेड रेड बी बी रॉय तीन नंबर पे आना है, पर 0, 1, 2, 2। ब्लू बी बी रॉय आर ओ वाई ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी ब्लू 7, 7 - 6, 26 इंटू 10 टू द पावर कितना। ब्राउन है बी बी ब्लैक ब्राउन 0, 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 26, 0 × 10 260 ओम, प्लस माइनस 5%, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ में आया? ए समझ में आया कैसे किया हम लोग? हम लोग ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं 2018 में, फिर से बता देता हूं। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट बिहार लंदन टॉप हैज वेरी गुड वाइफी, इसका होता है 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। पहला वाला बी का मतलब ब्लैक, दूसरा वाला का ब्राउन, तीसरा वाले का रेड, फिर ओ फॉर ऑरेंज, फिर वाई फॉर येलो, फिर जी फॉर ग्रीन कलर, बी फॉर ब्लू कलर, पहले ब्लैक ब्राउन फिर ब्लू, वी फॉर वायलेट, जी फॉर ग्रे, पहले ग्रीन फिर ग्रे फिर व्हाइट। फर्स्ट कलर क्या है, रेड, रेड कहां पर है, रेड टू टू। सेकेंड कलर देता है सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट, कितना है, ब्लू ब्लू 6, 6। सेकेंड देता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कितना था, ब्राउन ब्राउन कितना है 1, ये 1, अरे गोल्ड है टॉलरेंस, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% टॉलरेंस होता है, सिल्वर के लिए पता है आपको, लास्ट सॉल्व किए थे हम लोग, प्लस माइनस 10% सिल्वर, और अगर कोई कलर नहीं दिया हुआ है, नो कलर, तो वो होता है प्लस माइनस 20% टॉलरेंस, ठीक है? इससे आसान नहीं बोल सकते हम, याद रखो बी बी आर ओ वाई वाला याद रखो, और एक माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है? तो ये बना लो जल्दी से, करो सॉल्व करो कैसे भी, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
यही क्वेश्चन नंबर टू पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोला है? बोला गया है कि फॉर अ मेटलिक कंडक्टर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? सिंपल सा आंसर होगा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा, आपको रिलेशन पूछा है, द रिक्वायर्ड रिलेशन इज द रिक्वायर्ड रिलेशन इज सस्पेंस में बिल्ड करो, बिल्ड करो। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है, जहां पर जे है करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी एंड ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपका आंसर एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो आंसर यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, पर सिंस अब हम आपको समझा रहे हैं तो प्लीज कुछ नोट डाउन कर लो, कुछ नोट डाउन कर लो, नोट्स प्लीज इसको नोट डाउन कर लो आप याद से। ये आपका आंसर यहीं पे खत्म हो गया इसका, ठीक है, खत्म, अब नोट कर लो। ठीक है, अब देखो तो आपको याद है हम लोग प्रीवियसली एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन किया था एक्सप्रेशन में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या था? एक्सेलरेशन इनटू ये मतलब ई इनटू कैपिटल ई बाय एम इनटू टाउ। ठीक है, जहां पर ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन, और यार लिख दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ क्या है? यहां पे टाउ टॉर्क नहीं है, क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, ये रिलेशन है, क्या रखना, इसको बॉक्स कर लो। ठीक है, और इससे पहले एक प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग एक और चीज देखे हैं कि करंट अक्रॉस अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज नेव, एन ए वी डी ई। और सिंस हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, सामने एक नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, ये रिलेशन बॉक्स कर दो। ये क्या है एक्चुअली में? यह है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या है? करंट थ्रू अ कंडक्टर, करंट थ्रू अ कंडक्टर। क्लियर है? यह करंट थ्रू अ कंडक्टर, जहां पे एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना सारे इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हैं एन, जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड ई क्या है? डिफरेंशियल मेंशन कर देगा। ठीक है, ये हो गया। अब याद है आपको करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं? करंट डेंसिटी याद है कैसे डिफाइन करते हैं? उसका हम लोग ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। करंट डेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द करंट एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दैट पॉइंट। इसका डेफिनेशन होता है जे इज इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। ठीक है, तब आई का वैल्यू क्या होगा? आई का वैल्यू होगा माइनस एन ए वी डी ई। इसको भी बॉक्स कर दो एक बार। ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप लोग बॉक्स कर रहे हो तो याद आएगा, बाद में काम आएगा। एन ए वी डी ई और ई बाई ए, ये कैंसिल, तो जे क्या हो गया? माइनस एन वी डी ई। ठीक है, वी डी ई, एन वी डी ई, माइनस एन वी डी ई। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आपके पास एक और रिलेशन आया, जे इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है दे रहा। अब एक और रिलेशन आया, जे यहां मत लिख भाई, बहुत सारा हो गया। अब यहां पे हम लिख सकते हैं एक और, जे इज इक्वल टू एन वी डी ई माइनस साइन। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे एक वेक्टर, वी डी में एक वेक्टर। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन हुआ।
क्यू बॉक्स कर दो, ये रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड डिफरेंस जोन इलास्टिक है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आप बस VD के जगह रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो J क्या हो जाएगा माइनस N, VD कितना था, VD है माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड बाई M और ये हो गया टाउ इनटू E, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा N E स्क्वायर टाउ बाई M इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस टर्म को बोलते हैं ये जो कांस्टेंट आया है यहाँ पर, ये जो कांस्टेंट आया है इसको बोलते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा E, यहाँ पर रिलेशन है J इक्वल टू सिग्मा E के बीच में, जहाँ पे सिग्मा होता है N E स्क्वायर टाउ बाई M, याद रखिएगा, और सिग्मा को कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी एक्चुअली में क्या होता है याद है, कंडक्टिविटी एक्चुअली में होता है कंडक्टिविटी इज एक्चुअली डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, याद आया कुछ, रेजिस्टिविटी को 1 बाई रो से रिनोट करते हैं, और देखो कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, तो फिर रो क्या हो जाएगा 1 बाई सिग्मा, अगर सिग्मा है तो 1 बाई सिग्मा कितना हो जाएगा एम बाई एन ई स्क्वायर टाओ, ये भी बॉक्स कर दो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाओ, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिलेशन आंसर इसका हो चुका है आपका, यहाँ पर देखो यहाँ पे हमने प्रूफ भी कर दिया कैसे आ रहा है उसका रिलेशन J इक्वल टू सिग्मा E, ठीक है। और इसको कभी कभी बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं कभी कभी ओ एच एम एस, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है। तो आपके पास ये रिलेशन है डिफरेंस जोन का, प्लीज को याद रखना, करंट थ्रू अ कंडक्टर क्या होता है नंबर ऑफ नेव, ऐसे नेव एन ए वी नेव, ये हो गया करंट डेंसिटी का डिफरेंशियल, ये हुआ तीन रिलेशन हुआ, ये रिलेशन आया यहां से तो सब्स्टिट्यूट करो तो ये आएगा, फिर ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और एक सातवा, ये सात रिलेशन आप लोग अच्छे से नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला गया पढ़ लेते पहले, क्वेश्चन नंबर थ्री बोला है फॉर द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स ए एंड बी आर एट द सेम पोटेंशियल, ये फिगर दिया है आपको, ये x का वैल्यू निकालना है सच दैट पॉइंट ए और पॉइंट बी आपका सेम पोटेंशियल पर हो। चलो बताओ आप इसका सोल्यूशन आप बताओगे, अरे इसका सोल्यूशन आप बताओगे, हमने कर चुका है सोल्यूशन, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, खुद ही सोचो कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, अरे बोलोगे कि भैया कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है ये तो स्ट्रेट लाइन है, अरे भैया इसको अगर हम खींच के ऊपर कर दें ऐसे, इसको खींच के ऊपर कर दें तो क्या हुआ ऊपर जाएगा फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो चार पैरेललोग्राम्स बना, चार लाइनस, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल बाहर से निकल के बैटरी में जुड़ा हुआ है और एक डायगोनल के बीच में खाली पड़ा हुआ है, वो जो गैल्वेनोमीटर हुआ करता है, ठीक है। और बोला है फॉर विच द पॉइंट ए एंड बी आर एट द सेम पोटेंशियल, अब ए और बी एट द सेम पोटेंशियल पे होगा तभी तो ए और बी के बीच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, और अगर बैलेंस कंडीशन में है तो क्या होता है P by Q is equals to R by S. P by Q is equals to R by S. Simple से application है Wheatstone bridge का. चलिए ये solution करते हैं इसका. The given figure is a modified form of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, एज शोन बिलो, ठीक है। तो बताते हैं फिर से फिगर एक बार, देखो ये आया एक स्ट्रेट लाइन यहां से, ठीक है। अब देखो ये नीचे ऊपर जा रहा है, ऊपर खींच देगा सर, ये इसको ऊपर खींच दिया, ठीक है, और यहां से इसको नीचे ला दो, इसका वैल्यू सुनता है, इसका वैल्यू है 3 ओम और इसका वैल्यू है 6 ओम, और नीचे एक डाल दे रहा
ये हो गया और यहां से ये हो गया, ये हो गया 5 ओम और ये हो गया x, और ये पॉइंट का नाम a है, ये पॉइंट का नाम b है और कहानी वैसा ही गया। यहाँ पे एक बैटरी दिया गया, क्या फर्क पड़ता है बैटरी का वैल्यू, 5 वोल्ट लिखो या मत लिखो, वही चलो देखो अभी विक्षुण ब्रिज है और नामकरण इंपॉर्टेंट है, नामकरण करना, बना तो दिए नाम कौन देगा इसको, नाम क्या देंगे, शांत से बोलना, पी क्यू आर एस, थैंक यू नो फॉर द पोटेंशियल एट ए एंड बी टू बी इक्वल, फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी टू बी इक्वल, हम बोल सकते हैं द ब्रिज मस्ट बी बैलेंस्ड, द ब्रिज मस्ट बी बैलेंस्ड, और अगर ब्रिज बैलेंस्ड है इसका मतलब ये हो जाएगा P by Q is equals to R by S, और प्लीज ध्यान देना है इसको हम ऑलरेडी प्रूव भी कर चुके हैं, ये प्रूविंग आता है एग्जाम में बहुत बार, तो P का वैल्यू व्हिच इंप्लाइज P का वैल्यू कितना है 3/6 is equals to R का वैल्यू है 5 और S का वैल्यू है X, तो व्हिच इंप्लाइज X क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो तो X by 5 is equals to 6/3 कैंसिल कटाक, ये 5 हो जाएगा व्हिच इंप्लाइज X equals to 10, therefore x का वैल्यू आया 10 ओम आंसर, और नहीं बात करेंगे इस पर हम लोग, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बोला गया है अ मेटलिक वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस है 3 ओम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4.8 ओम एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर बोला है फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। देखो हम लोग को ऑलरेडी ये बात तो पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, सच दैट वो रिलेशन आता है आर इक्वल्स टू रो इनटू एल बाय ए, बट एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग को पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और जो वाइब्रेशंस है एटम्स पॉजिटिव आयंस का वो ज्यादा हो जाएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करने का, कल्यूजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पर हम लोग को ये इंफॉर्मेशन तो पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, वेरी गुड, ये तो हम लोग को पता है, पर रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा ये तो नहीं पता है, कि अगर लीनियरली बढ़ेगा, क्वाड्रेटिकली बढ़ेगा या फिर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ये इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं है। हम लोग को बस इतना इंफॉर्मेशन है कि जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो फिक्स पॉजिटिव आयंस है जो इलेक्ट्रॉन उसके प्रोपागेट कर रहे हैं वो लोग ज्यादा जोर से वाइब्रेट करने लगेगा, इसका मतलब जो कल्यूजन होने का चांसेस है वो बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, पर कैसे बढ़ेगा वो नहीं पता है हम लोग को, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन को हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल करने से पहले ना प्लीज कुछ नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, प्लीज नोट कर लेगा सोल्यूशन करते हैं बार, पर आप लोग प्लीज ये नोट कर लीजिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि हाँ हेडिंग, सो हेडिंग लगा दो, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए आइए ये हेडिंग लगा दो, थोड़ा एक हल्का सा छोटा सा हेडिंग है, एकदम छोटा सा हेडिंग, चलो इफ आर जीरो, मतलब आर जीरो इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आर जीरो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी गुड, एंड आर टी इज द
the resistance of the wire at T degree centigrade, कोई भी arbitrary temperature है, ठीक है? तो देखा गया है, then experimentally देखा गया है कि resistance of the temperature T is equals to resistance of the temperature at resistance of the wire at 0 degree centigrade into 1 plus alpha into T. Clear है? RT है resistance of the wire at T degree centigrade. R not है resistance of the wire at 0 degree centigrade. और T है वो temperature, जितना temperature बात हो रहा है. और alpha क्या है? Here alpha is called temperature coefficient of the resistance. Clear है? और इसका unit क्या होगा? unit क्या होगा बोल पाओगे? देखो इसका resistance unit है ohm, इसका ohm ये हो गया 1 plus alpha t, मतलब ये dimensionless constant है, मतलब ये जो term है वो भी dimensionless होना पड़ेगा. और यहाँ पे temperature है, इसका क्या होना पड़ेगा? per degree centigrade या फिर per kelvin, क्योंकि तब जब degree centigrade temperature से multiply होगा तो dimensionless हो जाएगा, इसको dimensionless होना पड़ेगा. This term must be dimensionless. उसके लिए इसका टेम्परेचर केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड इसका, पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर केल्विन, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे हेयर आर नॉट कितना है, आर नॉट है टेम्परेचर रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है 3 ओम, आर टी कितना है, आर टी है 4.8 ओम एट टी इक्वल्स टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड. Therefore, values put कर लो. Therefore, RT is equals to R naught into 1 plus alpha T. तो यहाँ से बस values put करो. क्या हो जाएगा? ओहो, ये हो जाएगा. RT is equals to R naught plus R naught alpha T, which implies alpha क्या हो जाएगा? RT minus R naught by R naught into T is equals to alpha. तो वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल्स टू आरटी का वैल्यू क्या है, आरटी का वैल्यू कितना आ गया भाई, 4.8 माइनस 3 बाय 4 बाय 3 सॉरी आर नॉट है 3 इनटू 150, ये 1.8 माइनस करेंगे 1.8 बाय 3 इनटू 150, ये इसका कैंसिल होगा 0.6 आएगा, 0.6 को नीचे कर दो तो देगा 6/1500, ये हो जाएगा 2/500, 2 मतलब कितना हुआ, इसको बोल सकते हैं हम 4/1000, ये हो जाएगा 0.004 per degree centigrade, इसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है? हमने बस ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया 2/4000, बस सिंपल दिया आंसर, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, बस ये फार्मूला बॉक्स करके रख दो, इस फॉर्मूला को बॉक्स करके रख दो, आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो ये हो जाएगा, इतना छोटा आंसर है खाली, पर आपको बस ये याद होना चाहिए, ठीक है? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना देरी किए हुए. चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, बोला गया है कि इन द सर्किट बिलो E1 एंड E2 आर टू सेल्स ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है? E1 का EMF है 2 वोल्ट, E2 का EMF है 3 वोल्ट. अब बोला गया है अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट I1 एंड I2, समझे में आया? ये तो एग्जांपल है, हम लोग का न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, मजा आते हैं न्यूमेरिकल करके ना. चलो आओ इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है? सॉल्यूशन ठीक है. अच्छा देखो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा एकदम पानी की तरह है, ठीक है? बस आप लोग इसको तरीका माना चाहिए करने का, ठीक है? तो चलो हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ इसका तरीका सीखते हैं. देखो लिखोगे पहले द गिवन
सर्किट इज द गिवन सर्किट इज द गिवन सर्किट इज फिर आप लोग सर्किट बनाओगे ठीक है, ये सेम सर्किट फिर से बनाओगे आप लोग एग्जाम में बनाओगे सर्किट, एग्जाम में सर्किट बनाना पड़ता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पॉसिबल नहीं सॉल्व करना, द गिवन सर्किट इज बना दोगे पर हम तो नहीं बनाएंगे, मेरे पास ऑलरेडी है ठीक है। अब देखो देखो फ्रॉम सी डबल एच ओ डबल एफ कर्चॉफ्स करेंट लॉ, फ्रॉम कर्चॉफ्स करेंट लॉ फ्रॉम कर्चॉफ्स करेंट लॉ वी नोट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डिरेक्शन ऑफ करेंट थ्रू ईच रेजिस्टर, क्या क्या हमने कर्चॉफ्स करेंट लॉ अप्लाई करके इस सर्किट में हमने करंट का कि कितने कौन से रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नोट डाउन कर लेता ठीक है। इस I1 का मतलब क्या है कि ये जो सेल है इसका EMF E1 है, वहां से करंट I1 निकल रहा है, यहां से करंट I2 आ रहा है, यहां से कुछ है और कौन सा रास्ता जाने के लिए, बस यही एक रास्ता है जाने के लिए, और इसका वैल्यू कितना होगा, यहां से ये आया हो जाएगा I1 plus I2, इसका मतलब जो रेजिस्टर 3 है वहां से करंट I1 plus I2 फ्लो कर रहा है ठीक है। अब देखो ये सेल से EMF करंट I2 गया है, मतलब कितना घुसा होगा यहां से I1, अगर करंट I1 बाहर निकल रहा है तो करंट I1 तो एंटर किया होगा ना ठीक है, मतलब यहां पर करंट I1 गया होगा। फिर सिमिलरली इस सेल से करंट I2 निकल रहा है, मतलब कितना एंटर किया होगा I2, मतलब रेजिस्टेंस R2 से I2 करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस R1 से I1 करंट फ्लो करेगा। अब सिंस यहां पे इस एंड पर करंट I1 प्लस I2 आएगा, इसका मतलब इस पोजीशन पे आके करंट फिर से खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा I1 और I2 की तरह, तो आपको मिल गया सारा करंट, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, भूल जाओ उसको, R1 के अक्रॉस I1, R2 के अक्रॉस I2 और R3 के अक्रॉस I1 प्लस I2, ये हो गया हमने इस रेजिस्टर ठीक है, ये हो गया पहला कर्चॉफ्स करंट अप्लाई करके ठीक है। अब दूसरा क्या है, नाउ अप्लाइंग कर्चॉफ्स KIRCHHOFF कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ टू द क्लोज्ड लूप। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे I1 और I2 निकालना है, मैं दो अननोन है, मैं दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, मतलब कि मुझे दो क्लोज्ड लूप चाहिए, तो पहला एक लूप यूज कर, क्लोज्ड लूप पहले लेते हैं ABEFA, ये क्लोज लूप है, और किस डायरेक्शन में लेंगे हम, एक क्लोज लूप अज्यूम किया और अपना खुद का डायरेक्शन चूज करेंगे, डायरेक्शन हम ये डायरेक्शन चूज करेंगे ठीक है। चलो क्या है ये, ये है क्लॉकवाइज CLOCKWISE ठीक है। अब देखते हैं I1 यहां से गया, इस रेजिस्टेंस R3 से कितना करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2, और कितना डायरेक्शन में है, हम जिस डायरेक्शन में चूज किया है उसी डायरेक्शन में मैच कर गया, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो क्या हो गया पॉजिटिव, ये हो जाएगा R3 into I1 plus I2, मतलब 2 into I1 plus I2, ये हो जाएगा 2 into I1 plus I2, समझ में आया। अच्छा अब ये क्या, अब एक रेजिस्टेंस मिला, यहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, क्या सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है जैसे हम जा रहे थे, ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस रेजिस्टेंस इनटू ये 1 into I1, मतलब प्लस I1 is equals, और कोई रेजिस्टेंसेस नहीं है ठीक है। अब बात है EMF का, EMF का हमने क्या नोट किया प्रीवियस क्लासेस, हम लोग समझे हैं कि EMF को पॉजिटिव नेगेटिव कब पकड़ते हैं, आप डायरेक्शन में मूव कर रहे हो मजे में और बैटरी को हिट किए, अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हिट किए हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म जो है वो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस 2 ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ट्वाइस I1 मतलब 3 I1
प्लस ट्वाइस आई टू इज इक्वल टू टू, ये हो गया इक्वेशन वन, ठीक है। अच्छा अभी कोई इक्वेशन आता है, कौन से लूप पे अप्लाई करें, लूप करते हैं बी सी डी ई पी, बी सी डी ई बी, ये एक क्लोज लूप है और इसका डायरेक्शन हम इस तरफ से लेंगे ऐसे, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो यहां से करंट हम जा रहे हैं, रेजिस्टेंस आ गया, तो इस रेजिस्टेंस से हम नीचे जा रहे हैं और करंट भी नीचे जा रहा है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट पॉजिटिव होगा, तो करंट कितना है आई वन प्लस आई टू, रेजिस्टेंस कितना है टू, ये हो जाएगा ट्वाइस आई वन प्लस आई टू, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, आराम से मजे में जा जाओ, ओहो रेजिस्टेंस आ गया, तो आई टू इंटू आर टू, और आप ऊपर जा रहे हो करंट भी ऊपर जा रहा है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म पॉजिटिव, मतलब सिक्स इंटू आई टू प्लस सिक्स इंटू आई टू इज इक्वल टू, अब देखते हैं, अब आप और कोई इंटरनल और कोई रेजिस्टेंस है नहीं इस लूप में, पर आप मजे में जा रहे हो, बैटरी को हिट किए और देख लो बैटरी का नेगेटिव को हिट किया, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग ईएमएफ प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ट्वाइस आई वन है और आई टू है बस, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आई वन प्लस टू इंटू टू, ये हो जाएगा एट आई टू इक्वल्स टू थ्री, समझ में आया, सिक्स आई टू और टू प्लस टू इंटू टू एट, एट आई टू, इस इक्वेशन को हम टू नाम दे रहे हैं। अब सिंपल सा लॉजिक है, क्लास नाइन का प्रॉब्लम है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व करो कहानी खत्म, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे twice i2 है, यहाँ पे 8 i2 है, हम कर सकते हैं इक्वेशन वन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इक्वेशन टू, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 4 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1, तो क्या हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 12 i1, 2 इंटू 4 प्लस 8 i2 इक्वल्स टू 2 इंटू 4 8, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना नहीं, बस सिंपल लिख दो, ट्वाइस आई वन प्लस एट आई टू इज इक्वल टू थ्री, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि जो लोअर टर्म है सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, 12 माइनस 2 10 आई वन इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, विच इंप्लाइज I1 is equals to 5 by 10, which is equals to half ampere. Recording हुआ? एक second. हाँ recording हुआ 5 ampere, ठीक है। I1 का value आया half ampere, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो, आपको एक बार I1 निकल गया क्या करोगे? I1 का वैल्यू किसी में पुट करो, इसमें या फिर इक्वेशन में पुट करो, फिर आंसर निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग I1 इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू I1, I1 हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 8 इंटू I2 इक्वल टू 3, ये हाफ हाफ कैंसिल होके 1 देगा, उधर जाके 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 8 i2 इज इक्वल टू 2, तो i2 हो जाएगा 2 by 8, मतलब 1 by 4 एम्पियर। तो फाइनली आपका i1 का वैल्यू आया हाफ और i2 का वैल्यू आया 1 by 4 एम्पियर, ये एम्पियर, और पॉजिटिव आया ना, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन दिया गया है वो एक्चुअल डायरेक्शन है, और अगर नेगेटिव आएगा मतलब कि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली स्कोरिंग है, ठीक है। एक बात आप समझ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं सिंपली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं। तो देखो सिंपल सा, पहले कर्सस करंट लॉ अप्लाई किया, उसके बाद कर्सस वोल्टेज लॉ अप्लाई किया है, कर्सस करंट लॉ अप्लाई करके करंट का डायरेक्शन लिया है, वोल्टेज लॉ अप्लाई करके हमने दो इक्वेशन बनाया, दोनों को सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं, और मजेदार बात यह है कि दोनों क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस रिपीटेशंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट हाउ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर,
ये क्वेश्चन हम लोगों ने आईएससी फिजिक्स के प्लेलिस्ट में 2017 में क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व किया था और उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन करके समझा था कैसे करते हैं और एक प्रॉपर सा एग्जांपल भी किया था वहां पर एक न्यूमेरिकल। तो आप लोग नहीं देखो तो प्लीज उसको एक्सेस कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, बोला गया है कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड राइट द वर्किंग फॉर्मूला, डिराइवेशन नॉट रिक्वायर्ड। और ये सेम क्वेश्चन हम लोग आईएससी फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में ईयर 2019 का क्वेश्चन नंबर 4 था किए थे, वहां भी अच्छे से समझ के किए थे हम लोग उसको, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, मतलब ये क्वेश्चंस और जो आपका ईयर 2017 में आया था वो सेम क्वेश्चन 2017 में भी आया था और यहाँ पर आपका जो अभी ये 2016 में आया है सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया, ठीक है। तो देखो रिपीटेशंस होने चालू हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आज का लेक्चर वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और अब मुझे लगता है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा काफी छोटे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच।